हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 289वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 288 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं डेली टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे विकसित है और किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी, मतलब सोतन नदी, घग्गर नदी और देशवती नदी। इन तीनों नदियों के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है और ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सांगानेर जयपुर राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 2005 ईस्वी के अंदर बना था सांगानेर, जो कि जयपुर में स्थित है। इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय पोकरण, जो कि जैसलमेर में स्थित है, में बनाया गया है। इसे बनाने का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरवंश सिंह निर्मल ने इसका नेतृत्व किया था, जो कि एक पुस्तकालय है और ये पोकरण जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में राष्ट्रीय लोयी जोधपुर जिले के किस स्थान पर खोली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंडोर स्थान पर खोली गई है, जो कि जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रीय लो यूनिवर्सिटी स्थित है। नेक्स्ट हमारा, राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक व न्यूनतम विस्तार किन जिलों में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर और अजमेर जिले में है। जो अरावली पर्वतमाला है उसका सबसे ज़्यादा विस्तार उदयपुर जिले में है और जो न्यूनतम विस्तार है वह अजमेर जिले में है। नेक्स्ट हमारा, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनार किला है, जो कि जैसलमेर में स्थित है। ये दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और पहला लिविंग फोर्ट है उसका नाम है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट हमारा, दरा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कोटा झालावाड़ जिले में है, वर्तमान में इसका नाम मुकंदरा हिल्स पार्क है, इससे पूर्व किस नाम से इसे जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। मुकंदरा हिल्स पार्क को, जो कि कौन से जिलों में स्थित है? कोटा झालावाड़ जिले में स्थित है। फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली झील है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूप सागर झील है, जो कि फतेह सागर और पिछोला दोनों झीलों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है और ये झीलें उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा, अरना झरना नामक जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर जिले में स्थित है अरना झरना नामक जलप्रपात। नेक्स्ट हमारा, प्रदेश में अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांकणी नदी है, जो कि अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट हमारा, हाड़ौती के पठार या लावा के पठार में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या
निवास करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 11.00% जनसंख्या निवास करती है हाड़ौती के पठार या जिसे लावा का पठार भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजमेर जिले में स्थित है मगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय। नेक्स्ट है हमारा राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, मतलब 58 सेमी और 57.7 सेमी है औसत वर्षा का औसत राजस्थान राज्य में। राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयपुर जिले में होती है जो कि राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि होती है। नेक्स्ट है हमारा कालिदास ने किस नदी को अंतःसली लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी को कहा था अंतःसलीला कालिदास ने। नेक्स्ट है हमारा उम्मेद सागर व नाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये दोनों बांध भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है जिनके नाम हैं उम्मेद सागर और नाहर सागर। नेक्स्ट है हमारा जलचरों की बस्ती के उपनाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयसंबंध वन्य जीव अभ्यारण्य को जाना जाता है जलचरों की बस्ती के नाम से। नेक्स्ट है हमारा बनेड़ा भीलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तांबा खनिज के लिए फेमस है बनेड़ा भीलवाड़ा। नेक्स्ट है हमारा राज्य में सूती मिलों की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुल मिलाकर 23 संख्या है सूती मिलों की। नेक्स्ट है हमारा मालवी गोवंश किस जिले में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोटा जिले के अंदर पाई जाती है मालवी गोवंश। नेक्स्ट बहरोड़ पशु मेला कहाँ लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलवर जिले के अंदर लगता है बहरोड़ पशु मेला और अलवर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हमारा चंपाकली पंचलड़ी मंडली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गले के अंदर पहना जाता है चंपाकली पंचलड़ी और मंडली आभूषण। नेक्स्ट है हमारा कलीला दमना किस चित्र शैली के दो पात्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ शैली के दो पात्रों का नाम है कलीला और दमना। नेक्स्ट है हमारा म्यूर बीड़ी का कारखाना किस जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टोंक जिले में स्थित है म्यूर बीड़ी का कारखाना। नेक्स्ट है हमारा राज्य का एक मत है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वालर नृत्य किया जाता है जो कि बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। दीपावली पर किया जाने वाला नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फेजर नृत्य किया जाता है दिवाली के अवसर पर। नेक्स्ट है हमारा तोरावाटी बोली प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयपुर सीकर की प्रसिद्ध है तोरावटी बोली। नेक्स्ट है हमारा राजस्थानी भाषा की लिपि है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों,
मतलब देवनागरी और महाजनी, ये दोनों लिपि है राजस्थानी भाषा की। नेक्स्ट हमारा देवनारायण जी का बचपन का नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उदय सिंह है देवनारायण जी के बचपन का नाम। नेक्स्ट हमारा धनोप माता का मंदिर किस स्थान पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सांगरिया भीलवाड़ा में स्थित है धनोप माता का मंदिर। नेक्स्ट हमारा केलापानी तीर्थ स्थल स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा जिले में स्थित है केलापानी तीर्थ स्थल। नेक्स्ट हमारा शाही जामा मस्जिद जो कि बारा जिले में स्थित है किसके समय में बनी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से औरंगजेब के समय बनी हुई है शाही जामा मस्जिद। नेक्स्ट हमारा दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बना हुआ राजस्थान का किला है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है नाहरगढ़ का किला जो कि बारा जिले में स्थित है, ये दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बना हुआ किला है। नेक्स्ट हमारा बजरंग पशु मेला लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द ए व स दोनों, मतलब बाड़मेर जिले में और भरतपुर जिले में लगता है बजरंग पशु मेला। नेक्स्ट हमारा बाटाड़ू का कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर जिले में स्थित है बाटाड़ू का कुआं। नेक्स्ट हमारा साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केलादेव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है साइबेरियन सारस के लिए। नेक्स्ट हमारा फड़ चित्रण के लिए विश्व विख्यात है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शाहपुरा विश्व विख्यात है फड़ चित्रण के लिए। नेक्स्ट हमारा राज्य की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन किस रियासत में किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शाहपुरा रियासत में किया गया था प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन। नेक्स्ट हमारा रामपुरिया हवेली जो कि मुगल यूरोपियन व हिंदू शैली का समन्वय देखने को मिलता है किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीकानेर जिले में स्थित है रामपुरिया हवेली। नेक्स्ट हमारा बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। नेक्स्ट हमारा नवल सागर फूल सागर जेत सागर हिंडोली का तालाब और गुड़ा बांध किस जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बूंदी जिले में स्थित है नवल सागर फूल सागर जेत सागर हिंडोली का तालाब और गुड्ढा बांध। नेक्स्ट हमारा हनुमान जी का दाढ़ी मूछ युक्त विग्रह स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सालासर हनुमान चूरू में स्थित है दाढ़ी मूछ युक्त विग्रह हनुमान जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांडा रेज की बावड़ियां किस जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दौसा जिले में स्थित है भांडा रेज की बावड़ियां। नेक्स्ट हमारा दौसा तहसील के लवाण गांव किस लिए है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है लवाण गांव दौसा तहसील के।
नेक्स्ट हमारा पहाड़ों की नगरी के उपनाम से विख्यात है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर विख्यात है पहाड़ों की नगरी के उपनाम से। नेक्स्ट हमारा डूंगरपुर में एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, महारावल शिव सिंह ने करवाया था एक थंबिया महल का निर्माण डूंगरपुर में। नेक्स्ट हमारा करौली का मदमोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय का है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है करौली का मदन मोहन जी का मंदिर। नेक्स्ट हमारा जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गलताजी प्रसिद्ध है जयपुर के बनारस के उपनाम से। नेक्स्ट हमारा स्वर्ण नगरी नाम से जाना जाने वाला शहर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, जैसलमेर शहर है जो कि स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, झालावाड़ रियासत है जो कि सबसे अंत में बनी रियासत है राजस्थान राज्य की।